क्योंकि लाइव सामने बैठ के गर्लफ्रेंड से बात करूंगा बेगम के सामने। मैं फोन पे बात करता हूँ, पीछे आके खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ इंसान को काम ही नहीं कर सकता प्राइवेट यार, लेकिन फिर मना देंगे कि जल्दी क्या है। हाँ हाँ, क्या हरकत थी है? ये क्या फोन पे लगे, ये क्या हरकत थी? जो भी कॉल आएगी ना आप रखेंगे नहीं, मेरे सामने बात करेंगे। मतलब क्या है तुम्हारा भाई? क्या चेक करेंगे? फोन दे यार, क्या है दोस्त? कितने बजे जा रहे हैं? दे दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन। हाँ बच्चे को समझ में आ रही है थोड़ी। तो एनीवेज गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज के ब्लॉग में आपका भाई करने के वाला है, हमारी लाइट बंद हो गई और आपके भाई का चेहरा थोड़ा डल हो गया होगा, तो हम लाइट को जरा करते हैं सही कि चेक करें हमारी लाइट। हमारा बटन खराब हो गया, लाइट सही है। ओए। हाँ तो सो गाइस, मैं क्या कह रहा था भाई, आज का सीन है कि भाई आज आपका भाई लेके चलने वाला है डेली ब्लॉग, लेकिन डेली ब्लॉग में कोई कॉन्टेंट तो होना चाहिए ना यार। तो आज का सीन आपके भाई ने सोचा, सारी बात है यार, जिस ब्लॉग में आपका भाई हेरा को तंग ना करे ना, तो वो ब्लॉग मेरा इनकम्प्लीट रहता है ना, क्योंकि सारी बात है भाई, बेगम तो बेगम होती है ना, बेगम को तक तंग ना करे तो मजा नहीं आता ना। मतलब 10-15 दिन पहले आपके भाई ने एक ब्लॉग डाला था फेक गर्लफ्रेंड कॉल प्रैंक वाला ना, आपके भाई ने जो किया था ना, तो मैं सोच रहा हूँ हेरा के साथ भी ऐसा भी सीन करते हैं। अभी फिलहाल तो हेरा पढ़ रही है नमाज, उसके बाद करेंगे अपनी कार्रवाई शुरू। आज के ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका भाई फेक गर्लफ्रेंड कॉल प्रैंक करने वाला, लेकिन इससे पहले जो आपके भाई ने फेक गर्लफ्रेंड कॉल प्रैंक किया था ना, वो आपके भाई ने बाथरूम में छुप के इधर उधर छुप छुपा के किया था, लेकिन भाई आज का प्रैंक, आज का ब्लॉग, आज का प्रैंक जो आपका भाई करने वाला है ना, वो चौड़े में आगे करेगा और सामने आया करूंगा, क्योंकि आपका भाई किसी से डरता नहीं है। आज का ब्लॉग जो है ना बड़ा कोई धमाकेदार होने वाला है गाइस, भाई क्योंकि लाइव सामने बैठ के गर्लफ्रेंड से बात करूंगा बेगम के सामने, और सीन जरा चेक करिएगा क्या होने वाला है। स्टार्टिंग बिस्मिल्लाह कमरे से लेते हैं, क्योंकि वो वहां से है कि आपका भाई कॉल पे बात कर रहा होगा, और कैमरे को यहाँ पे रखते हैं, और पता तो चलना नहीं है कैमरा ऑफ है ऑन है। अपना फ्लैश लाइट बंद कर दूंगा, हेडलाइट बोल दो, फ्लैश लाइट बंद कर दूंगा, पता लगेगा नहीं कैमरा ऑफ है ऑन है क्या है, तो रिकॉर्डिंग बार हो जाएगी इंशाल्लाह। वेट करें और सीन चेक करिए होता क्या है। आपका भाई अपनी फेक गर्लफ्रेंड से बात करेगा, खुले आम बात करेगा, और बेगम का रिएक्शन नोट करते हैं, वेट करें बस। मुझे अकेले बैठे हुए देखना है, इन लोगों को बुरा लगता है कि ये अकेले क्यों बैठा हुआ है, तो सीन चेक करते हैं। A few inches later. वेट करने में क्या बात कर रहे हैं? बोलो कर रहे हैं बात, नहीं तुम बोलो ना क्या हो। चलो यार मैं बाद में बात करता हूँ, सही ओके। चलो वो चश्मे वाले की बात करवा लो, मसला नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ, आओ थोड़ी देर में आता बाद में बात करता हूँ बाद में। तो गाइस आपके भाई ने शक में तो 100% डाल दिया है, दो आपके भाई ने कॉल लगाई है, अभी छत पे गई है, उसके बाद देन देखेंगे जैसे कोई सीन बनेगा ना वैसे ही बनाएंगे, वेट करते हैं। 1 hour later हेरा ना ऊपर से नीचे आ गई है, तो अभी मैं यहाँ से बात करता हुआ जाऊँगा, ये बोलेगी मैं, ये मुझसे पूछेगी कहाँ जा रहे हो, बोलूँगा छत पे जा रहा हूँ, फिर आपको पता ऑफिस से ये बोलेगी जब मैं बोली तब तो तुम गए नहीं, तो बाहर सीन देखें चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हेलो हेलो, हाँ हाँ आ रहा हूँ छत पे आके बात करता हूँ, सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ
छत पे जा रहा हूँ, तुम्हें फोन आया हो ना, सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। कितने आजकल तुम्हें बताइए मामला कैसे, सिग्नल ही नहीं आ रहे यहाँ पे। अरे तो थंबनेल बना रहा था ना वीडियो को, जाहिर है थंबनेल बनाऊंगा, सारे मामला वीडियो अपलोड करनी थी ना, तो 12 बच्चों पर है। सही अब आएगी गाइस, पसंद पीछे पीछे आएगी। ओ किसने मारा, अहमद ने मारा। हमेशा लड़ते रहते हो। हाँ तो गाइस मगरिब का टाइम होने वाला है और अभी हिरा को पूरा भरपूर शक में डालकर आ गया हूँ और अब वो 100% ऊपर आएगी और चेक करेगी फोन पे जो बात करने का चक्कर चल रहा है क्या मामला है। वेट करते हैं उसका, वो आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपका भाई फोन पे लग जाएगा। तो वेट करते हैं उसका आती है फिर दिखाते हैं। आपके भाई ने कैमरा सेट कर दिया है, एक चेयर आपके भाई ने उधर लगा दी, एक चेयर उधर लगा दी, है ना, एक चेयर उधर लगा दी। तो सर गाइस 100% हाँ, तो सर गाइस 100% ऊपर आएगी, मेरे साथ बैठेगी या थोड़ा सा आगे पीछे बैठेगी, उसके बाद मामला तो आपका भाई फ़ोन के लगा देगा। कैमरा ऑन है, फ्लैश लाइट बंद है, मामला चेक करें। तो सर गाइस ये वाला सीन अगर हो गया ना, बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा। आपका भाई सीन क्या करने वाला है इस वक्त, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और कैमरे को अपने गमलों की तरफ सेट कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे खड़ा हूँ, कैमरे को यहाँ पे सेट करूंगा और ये यहाँ पर आएगी, 110% मेरा मोबाइल छीनेगी। जारी बात है, मैंने इसको इतना शक में डाल दिया है कि मुसलसल जब ये आती है मैं फ़ोन रख देता हूँ, जब ये आती है मैं फ़ोन रख देता हूँ, मैंने प्रॉपर उसको शक में डाल दिया ना। तो अभी चलते हैं यहाँ पे इस खिड़की में, फ़ोन से बात करते हैं और फिर मामला बनाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, सीन आपके सामने सारा क्रिएट हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ तो गाइस भाई आपके भाई ने कैमरा अपना सेट कर दिया, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, ये टेबल आ रही है तो जाहिर बात है ऐसे ब्लॉग शूट करने के लिए कैमरा तो आपको छुपाना पड़ता है ना यार। तो मार्केट के साथ बर्दाश्त कर लिया, कैमरा मैंने फिक्स कर दिया, तो रेडी करते हैं 100% आएगी। दबा दबन करता हूँ आवाज़ आएगी। हाँ हाँ कह रहे यार, तो मतलब घर से बाहर निकल के बात करनी पड़ेगी, मतलब आ रही है कि जहाँ फोन से बात करता हूँ और पीछे आपकी खड़ी जाती है, जहाँ इंसान कोई काम ही नहीं कर सकता प्राइवेट, या कोई इंसान काम कर रहा हो कोई बात कर रहा है, कोई ऐसा मामला ही नहीं प्राइवेसी, मैंने कह रही करो बात मसला नहीं। हाँ हाँ कह रही थी पहले देख लेंगे कोई इशू थोड़ी मिलने का फिर बना देंगे कि जल्दी क्या है। क्या हरकत थी हैं, ये क्या ये क्या हरकत थी? हेलो हाँ क्या हेलो हेलो क्या हेलो हेलो हाँ क्या हेलो क्या कर ली बात मोबाइल की छुरा उन्होंने पहले मेरा बहुत देर से नोट कर अंदर आ गया पर यहाँ देर से आप फोन पे लगे और जल्द में आपको लाइन पा रहे जरूरी में किसी से बात कर रहा हूँ ऑफिस का कोई बंदा हो सकता है, कोई दोस्त यार हो सकता है, मेरे फोन से सडनली होता है तुम आती हो हम अल्लाह हाफिज कर देते नहीं आप अंदर आने से बात कर हो चुका है, अंदर जाता हूँ फिर बात करता हूँ। क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे, मुझे सही से बता दो। अरे कि पागल पागल हो गई हो क्या, तो होगा ना दोस्त यार हो सकते हैं, मतलब क्या मैं किसी से बात करूंगा। अच्छा, मेरे आते ही लाइन काट देते होता है सडनली अचानक तुम आज लाइन कट जाती है। थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कौन है, आपने बात आई गई कर दी किससे कब पूछ लो। अरे बताया था तुम्हारे को ऑफिस का बंदा है यार, ऑफिस के बंदे से ऐसे छक्के बोल रहे हैं। अभी पता है आपने क्या बोला, क्या बोला सुनाई दिया, जब मैं बात करता हूँ फौरन आ जाती है। अरे ऑफिस में बोला, ऑफिस में जब हम बात करते हैं तो वो फौरन आ जाता है, ये बोला मैंने।
झूठ बोल रहा है। आपकी हरकतें नजर आ रही है ना, वो तो साफ पता चल रहा है कि किसी से छुप के बात कर रहे हैं। मैं छुप के घर पे बात करूंगा, मेरे सामने करें, अब नहीं काटूंगा, वो तो सडनली सीन होता है तो हो जाता है। अब जो भी कॉल आएगी ना आप रखेंगे नहीं, मेरे सामने बात करेंगे। मतलब क्या है तुम्हारा भाई? मतलब ये है कि देखिए कोई भी होगा ना, मैं भी अगर बात कर रही हूँ और आपके आते ही लाइन काट दूंगी ना, तो आपके जहन में भी शक है। बात तो सही है। ये एक नॉर्मल बात है, आप बात करें आप करें। उस वक्त भी मैंने आपसे बोला जब मैं चश्मा ठीक करवाने आई थी, आपने फौरन बोला बाद में बात कर दो। फिर शक की क्या बात है इसमें? मतलब इंसान बात भी नहीं कर सकता कॉल पे यार। इतनी कॉन्फिडेंशियल क्यों बातें हो रही है? क्या मतलब दोस्त से मेरे सामने क्यों नहीं बात हो रही? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? चलो अच्छा जाओ। बहरहाल अब आपकी कॉल आएगी तो आप काटेंगे। पहली फुर्सत में निकल। मामला बड़े खराब होते चले जा रहे हैं। अम्मा ने मोबाइल छीन दिया था कान से अभी। देख ले देख ले, तू भी शक करता है, तू भी शक करता है, अब्बा पे शक करता है अपने घटिया आदमी। आपके भाई ने प्रॉपर खतरनाक वाला चल रहा है, ऐसे कान से उसने मोबाइल निकाला है। अल्लाह करे शूट हो गया प्रॉपर तरीके से ना, मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ एक सीन और मार दूँ उसके बाद ब्लॉग को एंड करूँ। अभी तो मामला चल रहा है, मैं अभी आपको एक फनी सा सीन दिखाता हूँ, देखिएगा सीन होने का वाला है। मैं अभी क्या करूँगा, मैं अपना मोबाइल ना यहाँ फेंकूँगा, इस सोफे से फेंकूँगा और वॉशरूम चले जाऊँगा वजू करने के लिए ना। ये माँ से भागती हुई आएगी और मोबाइल उठाएगी, और मेरे दिमाग में आइडिया तो है, मैं फौरन दरवाज़ा खोल के आऊँगा बाहर। अभी आपको सीन दिखाता हूँ। क्या चेक करेंगे? हैं? कुछ भी नहीं देख रही थी। मोबाइल बैठ तो बड़े शौक में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं फिनिश फनी सीन करने वाला हूँ, तो वही सेम सीन हुआ। मुझे पता था मैं जाऊँगा वॉशरूम, मेरा मोबाइल उठाएगी। अब देन नेक्स्ट सीन जो है ना, मैं अहमद के साथ मिलकर करने वाला हूँ। और क्या सीन है मैं बताता हूँ। अहमद इधर कम। मम्मा डाबा वाले कमरे में ना मुस्तफ़ा को खाना खिला रही है, ठीक है। हम जाएंगे ड्राइंग रूम में, वहाँ पर करेंगे कैमरा सेट। जब मम्मा वहाँ पर आ जाएगी ना मेरे पास, तो तुम एक काम करना, अपने कमरे में आके मुझे मेरे नंबर पर, वो बहाना नहीं बनाना, कोई बहाना नहीं बनाना। तुम इधर आके ना अपने दूसरे मोबाइल से मेरे नंबर पे व्हाट्सअप पे कॉल ही करते रहना बस, सही है। मम्मा तो वहाँ बैठी हुई है, हम कैमरा सेट करते हैं, चल आ जाओ। क्या कर ले? चल झूठा। अरे दोस्त है यार, क्या उठा रहे हो? छोड़ो यार, क्या है दोस्त? हेलो हेलो, कौन?
ये कर रहा था कॉल, तुम क्यों कर रहे थे? जब से यही कॉल कर रहा था सारा दिन, से किससे बात कर रहे थे सारा दिन? की कॉल ही नहीं थी, ऐसे नाटक कर रही थी। क्या नाटक कर रही? मेरे सामने आप बात कर रहे थे, मैंने खुद ही सुना था। बात कर रहा था कि तुम कॉलेज दूर जाएंगी नहीं, आज मैं अगर तुम आती थी। हेलो, हाँ मैं ये कह रही हूँ यार, ये बार बार मेरे आते फोन रख रहे हैं। फिर तुम आती थी मैं फोन रख देता, फिर जब तुम आती थी हेलो। प्रैंक कर रहे थे हमेशा यार, आप कितने बदतमीज हैं। आप शूट कैसे कर रहे थे, आपने तो कोई ब्लॉग नहीं किया? छुप छुप के छुप छुप के सारी चीजें कर ली। किसी भी औरत को, किसी भी बेगम को मनाना बनाना कितना आसान काम है यार। देखिए कोई कॉल नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, बावजूद भी आपके भाई सारा ने इसको तंग किया है। रागो तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मैं यही समझ रही हूँ कि इनके पास कॉल आ रही है, ये मुझे देख के बार बार रखे जा रहे हैं। मैं यही बोला था तभी मेरा फोन लेके उठाया, मैंने कहा मैं देखूं तो किसकी कॉल आ रही है। भाई प्रैंक था आपके साथ, प्रैंक हो रहा था यार। कैसा लगा हमारा प्रैंक? हाँ तो शुरू करते हैं ब्लॉग को एंड। अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।